ठीक है बात कीजिए बहुत ना मैडम एक बार चेक करा देंगे ना चेक। दूसरा हमारा इशू है अभी मैडम सारिका जी भी आज हम स्टेक होल्डर से मिलना चाहते थे आज आप लोग लीजिए तो दो दिन के लिए आज और कल ये है करना हमें सारे प्लानिंग करे लिए क्या क्या उसमें कर सकते हैं उसमें अभी हम 500 मीटर का तो हम ले रहे हैं ये बोल रहे हैं आप इनके कंसल्टेंट सर कर रहे हैं स्वागत करेंगे एक बार जोरदार तालियों के साथ हमारे इस मंच पर मुख्यमंत्री महोदय श्री मनोहर लाल खट्टर साहब का जिन्होंने अपना कीमती समय दिया है आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है इस आयोजन में। क्योंकि एक तारीख को हरियाणा दिवस भी है और एक तारीख को संडे है यहाँ पर इतवार है उस दिन हम चाह रहे हैं कि रन फॉर यूनिटी एक तारीख को सुबह हम यहाँ पर मनाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें पार्टिसिपेट करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और करनाल में जो एक स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है वहाँ के लोगों को यूनिटी के नाम पर देश में यूनिटी का जो मैसेज है वो करनाल से वो देंगे। तमाम करनाल के सभी लोग उसको मिलकर कर रहे हैं और उसमें हरियाणा पुलिस के जवान भी दौड़ेंगे, करनाल की सामाजिक संस्थाएं भी दौड़ेंगी, स्कूलों के बच्चे भी दौड़ेंगे और एक जिस तरीके से राहगिरी का माहौल होता है तमाम बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक उसमें एक यूनिटी का मैसेज दें। अभी जो हमारा राहगिरी का ट्रैक है उसी पर हम रन फॉर यूनिटी करें।